बरेली शरीफ से कलियर शरीफ के लिए साबरी परचम लेकर रवाना हुआ साबिर पाक के दीवानों का पैदल काफिला 18 अक्टूबर की रात को मुरादाबाद से 10 किलोमीटर दूर रामपुर रोड जीरो पॉइंट पर मशहूर एक्सपोर्टर और खानकाही व नस्बती शख्सियत तस्लीम हुसैन कलीमी की फर्म पर पहुंच गया, जहां तस्लीम हुसैन कलीमी और दीगर खानकाही व नस्बती हजरात ने साबरी परचम और पैदल काफ़िले का खंदा पेशानी और अकीदत व एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। ये 29वां पैदल काफ़िला 16 अक्टूबर को 1 बजे दिन हज़रत नासिर मियाँ साबरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से सूफ़ी वसीम मियाँ साबरी की क़यादत में बरेली शरीफ से रवाना हुआ था, जिसका पहला पड़ाव फतेहगंज में, दूसरा धमौरा में और तीसरा पड़ाव जीरो पॉइंट पर तस्लीम हुसैन कलीमी की फर्म में हुआ। सूफी वसीम मियाँ साबरी के बिरादर खुर्द मोहम्मद हसन साबरी ने बताया कि ये साबरी परचम इंशाल्लाह 29 अक्टूबर को साबिर पाक के दरबारे आली में कलियर शरीफ पहुंच जाएगा और कलियर शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत शाह मंसूर एजाज साबरी अपने बिरादरजादे हजरत अली शाह मियाँ के हमराह ये परचम आस्ताना आलिया पर नस्ब फरमाएंगे और इसी के साथ हजरत मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आगाज़ हो जाएगा। कुल शरीफ 13 रबीउल अव्वल शरीफ को होगा। मोहम्मद हसन साबरी ने सिटी चैनल 24 को बताया कि पैदल काफ़िले में 95 साबरी दीवाने शामिल हैं। उन्होंने बताया, साहब आज आप लोग पैदल काफ़िले के साथ यहाँ पहुँचे हैं जीरो पॉइंट पर। बरेली शरीफ से आपकी रवानगी किस तारीख को और किस वक्त हुई थी? 16 अक्टूबर दिन बुधवार दोपहर में 1 बजे दरगाह नासिर मियाँ नौमेला मस्जिद से चले थे। आप लोग कलियर शरीफ किस तारीख को पहुँचेंगे? 28 तारीख को 9 बजे पीर साहब पे पहुँच जाएंगे और 29 तारीख को कलियर शरीफ पहुँचेंगे। इस काफ़िले की क़यादत कौन साहब फरमा रहे हैं? सूफ़ी वसीम मियाँ साबरी नासरी। कितने लोग शामिल हैं इस पैदल काफ़िले में? 95 लोग। ये कौन सा, मतलब कितने साल हो गए इस साबरी परचम को लेकर पैदल जाते? ये 29वां झंडा है। 29वां काफिला जा रहा है ये झंडा लेकर। जी, इस मौके पर आप क्या अपील करना चाहेंगे आशिकाने मखदूम साबिर पाक से, क्योंकि उनका उर्स करीब आ रहा है और आप लोगों के पहुंचने के बाद बाजार अमन और शांति का पैगाम लेकर ये झंडा चलता है और झंडा सरकार मंसूर में एजाज के हाथों से बुलंद दरवाजे पर पेश होता है, उसके बाद उर्स का आगाज होता है। नहीं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे उर्स साबिर पाक में शिरकत के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग उर्स में शरीक हों और साबरी फैदान से माला माल हों। यहाँ जीरो पॉइंट पर तस्लीम हुसैन कलीमी साहब के यहाँ हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों का पड़ाव है, इन लोगों ने आपका इस्तकबाल किया, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए जो आपकी खिदमत में लगे हुए हैं? सरकार के करम से सब अच्छा ही होता है। पीरे तरीक़त हजरत कलीम बाबा साबरी रहमतुल्लाह अलैह के दामन करम से वाबस्ता तस्लीम हुसैन कलीमी ने इस मौके पर बताया कि अब से तकरीबन 10-12 साल कबल उनके पीर व मुर्शिद हजरत कलीम बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ये ज़िम्मेदारी अता फरमाई थी और तभी से एक रात के लिए साबरी काफ़िले का क़याम उनकी फ़र्म में होता है। अपने मुर्शिद का जिक्र करते हुए तस्लीम हुसैन कलीमी थोड़े जज्बाती हो गए और मुख्तसरन उन्होंने बताया, करीब आज से 10-12 साल पहले मेरे पीर मुर्शिद हज़रत जनाब कलीम बाबा साहब ने मेरी ज़िम्मेदारी की थी कि जब भी कलियर शरीफ के लिए ये झंडा शरीफ मुरादाबाद में आए तो यहाँ पर क़याम करें, और जब से ये क़याम करता हुआ आ रहा है, अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि क्या कैफियत होती है दिल की, लेकिन बस यह है कि सरकार ने नवाजा है और सरकार का ही करम है, सब कुछ जो है उन्हीं की बदौलत है। बस वो चाहते हैं कि यहाँ रुके तो रुकता है और इंशाल्लाह जब तक वो चाहेंगे यहाँ रुकता रहेगा। दरगाह हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन अलहाज सैयद अहमद कमाल अलमारूफ सैयद गुल्लू मियाँ ने इस मौके पर बताया, अलहाज सैयद अहमद कमाल साहब अलमारूफ गुल्लू मियाँ साहब, आप माशाल्लाह हर मौके पर कोई भी रूहानी महफिल हो मौजूद रहते हैं और यहाँ पर भी मौजूद रहते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा आप तफसील से बताएं कि ये काफ़िला कहाँ से रवाना होता है, कहाँ कहाँ होते हुए कलियर शरीफ पहुँचता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये
परचम और ये काफ़िला बरेली शरीफ से नासर मियाँ साहब की दरगाह से चलता है और ये पैदल काफ़िला कलियर शरीफ सरकार साबिर पाक में पहुंचता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई तस्लीम हुसैन साहब कलीमी, मेरे पीरो मुर्शद हज़रत टिबला मोहम्मद अहमद कलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये तस्लीम भाई के सुपुर्द ये काम किया था कि जब भी ये काफ़िला आए तुम इसका इस्तकबाल करना, इनका मेहमान नवाजी करना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10-12 साल से तस्लीम साहब इस काम में इतनी दिलचस्पी से अपने इन कामों को अंजाम देते हैं और सैकड़ों लोगों का यहाँ लंगर भी किया जाता है और ये अपना उस दिन सारे कामों को छोड़कर सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के मेहमानों की जिस तरीके से खिदमत करते हैं, जिस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके ऊपर हमेशा हुजूर सरकार साबिर पाक का साया कायम दायम रहे और ये खिदमतें कर रहे हैं, अल्लाह इसका अजर अजीम इनको अता फरमाए। मियाँ साहब, जाहिर सी बात है कि ये साबरी परचम कलियर शरीफ पहुँचेगा तो उसका आगाज़ हो जाएगा यहाँ मुरादाबाद और कुर्ब जवार में और पूरे मुल्क में, बल्कि दुनिया भर में साबिर पाक के दीवाने मौजूद हैं। क्या अपील करना चाहेंगे उनसे उर्स साबरी में शिरकत के लिए? साबिर पाक का जो भी मुकाम है और वो सब लोग जानते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि उस उर्स में आप पहुँचें और अपनी मोहब्बत का सबूत दें और भाईचारे की कोशिश करते रहें, मोहब्बतों का पैगाम जारी सारी रखें और अमन और शांति का पैगाम हर जगह पहुँचा। साबरी परचम की आमद से कबल फर्म में कुल शरीफ का एहतमाम किया गया, नजर पेश की गई और हलाल सैयद गुल्लू मियाँ ने दुआ फरमाई। साबरी परचम की आमद के बाद सभी लोगों की खिदमत में साबरी लंगर पेश किया गया। इस दौरान आल इंडिया खानकाही एकता मिशन के कन्वीनर और दरगाह हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन अलहा सैयद शिबली मियाँ, मिशन के जनरल सेक्रेटरी और दरगाह हजरत सुल्तान कुतुबुद्दीन शहीद शहनशाह मिस्र रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद अली नईम चिश्ती साबरी सुल्तानी, मिशन के नायब सदर और दरगाह हजरत पहलवान शाह साहब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हाफिज़ इफ्तिखार हुसैन चिश्ती साबरी, मिशन के ट्रेजरार और दरगाह हजरत सैयदना शाह बुलाकी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सेक्रेटरी अलहाज इश्तियाक हुसैन अशरफी, दरगाह हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीनान अलहाज सैयद अहमद कमाल उर्फ गुल्लू मियाँ व अलहाज सैयद सरवर मियाँ, खलीफा अनवर खुर्शीद अलमारूफ अन्नू मियाँ कलीमी, सूफ़ी मुमताज़ आलम चिश्ती साबरी, अलहाज मोहम्मद नदीम इसाक़ी, सैयद मुअज़्ज़म अली मुकम्मली, सैयद महफूज़ अली राजा, खलीफा अलहाज आसिम कलीमी चिश्ती साबरी, खलीफा अलहाज मोहम्मद आसिफ़ कलीमी, आदिल कलीमी, राहत कलीमी, हाजी मोहम्मद इकबाल साबरी, आदिल चिश्ती, अमानुल्ला खां, सूफ़ी मुन्ने साबरी, मोहम्मद शामिया उस्मानी, नाजिम कलीमी, अजीम कलीमी, हाजी शाहिद अली कलीमी, सैफुद्दीन सलामती, हाजी शाहवेज कलीमी, शराफत कलीमी, मोहम्मद वसीम कलीमी, शाह फैसल वारसी, मोहम्मद इंतज़ार उर्फ मुन्ने कलीमी, शहजाद कलीमी, मुनीर कलीमी, ज़ुल्फ़ार उस्ताद कलीमी, राशिद सुल्तानी, मेराज अली बल्लू कुद्दूसी वगैरह समेत कसीर तादाद में खानकाही व नस्बती हजरात मौजूद रहे। 19 अक्टूबर की सुबह साबरी परचम लेकर ये पैदल काफ़िला सूफ़ी वसीमिया साबरी की क़्यादत में मुरादाबाद के लिए रवाना हो गया और सबसे पहले कटघर रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल हज़रत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर हाज़री दी, जहां सज्जादा नशीन नवाब हयातुन्नबी खां और दीगर हजरात ने साबरी परचम का इस्तकबाल किया। इस मौके पर महफिल नात व मनकबत, कुल शरीफ, दुआ और लंगर का एहतमाम किया गया। इस दौरान वसीम मियाँ साबरी के बिरादर खुर्द कमाल मियाँ साबरी नासरी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया, कौन सी तारीख में वहाँ से रवाना हुआ था बरेली शरीफ से? ये साबरी झंडा पैदल काफिला बरेली से 16 अक्टूबर को रवाना हुआ था, जो 18 अक्टूबर को 0.5 तस्लीम भाई की फैक्ट्री में रुका। इसके बाद आज 19 अक्टूबर को ये कटघर हाफिज़ साहब की दरगाह पर पहुँचा है। इसी के साथ यहाँ इसमें आने वाले जो 95 ज़ाहरीन हैं उनकी क़्यादत, ये झंडे पैदल काफिले की क़्यादत सूफी वसीम मियाँ साहब कर रहे हैं या मुरादाबाद में। अब यहाँ क़याम के बाद थोड़ी देर रुकेगा, उसके बाद ये शहर में घूमेगा, जो सुल्तान साहब की दरगाह पर होता हुआ
ईदगाह पहुँचेगा। हजरत क्या झंडे की मान्यता क्या है? ये साबरी झंडा सरकार साबिर पाक के उसकी इत्तला देना, ये बरेली से बुलंद होता है, इसी के साथ आगाज़ होता है कि उससे साबिर पाक का आगाज़ हो चुका है। अच्छा किस तारीख में कलियर शरीफ पहुँचेगा? ये झंडा अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ 28 अक्टूबर को रहमतपुर पहुँचेगा, वहाँ से 29 अक्टूबर को कलियर शरीफ दरगाह पर साबिर पाक के मज़ार पर पेश होगा, उसका आगाज़ हो जाएगा, उससे साबिर पाक का आगाज़ होगा। इस मौके पर क्या अपील करना चाहते हैं? इस मौके पर साबरी झंडे में के ज़रिए मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, खसूसन मुरादाबाद शहर के, उससे साबिर पाक का 751 में उसका आगाज़ हो चुका है और 11 या 12 नवंबर को उर्स होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें और खसूसन मुल्क में भाईचारा कायम रखें, इंसानियत का पैगाम जो इस्लाम का पैगाम है वो सबको दें। आस्ताने आलिया हज़रत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन नवाब हयातुल नबी खान ने इस मौके पर कहा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हज़रत बादशाह दो जहाँ मखदूम अलाउद्दीन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के झंडा शरीफ का सफ़र बरेली से शुरू होकर कलियर शरीफ तक जाता है और वसीम मियां उनके वालिद के ज़माने से चला आ रहा है, वसीम मियां लेकर जाते हैं। हाफिज़ साहब ने सबसे पहले मुरादाबाद में जब आते हैं तो हाफिज़ साहब में हाज़िरी होती है, यहाँ से फिर आगे जाते हैं। बड़ा करम है अल्लाह का, ये झंडा जब से शुरू हुआ है कभी इसमें बीच में कभी ब्रेक नहीं हुआ, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि हमेशा से जारी सारी फरमाए और हमेशा इसी तरह से चलता रहे, इनको इनके बाद तमाम आने वाली नस्लों को सबको अल्लाह ताली कदम फरमाए कि हमेशा इसी तरह से जारी सारी रहे। मेरी मुसलमानों से खास तौर पर गुजारिश है कि झंडे में शरीक हों तो साफ कपड़ों से शरीक हों, वजू के साथ शरीक हों। बहुत बड़े वालिद वली कामिल का ये झंडा शरीफ है, इसका बड़ा अदब और एहतराम है आया है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि जो इसमें लोग शरीक हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें और जो भी खिदमत करें अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और इनके इनके झंडे शरीफ के जुलूस को ये जल्द लेकर चले हैं कामयाबी के साथ कलियर और बड़ी हिफाजत के साथ कलियर शरीफ पर अल्लाह ताला इसको पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।